देखिए, आज जो बिहार में जो दलित की राजनीति जिस जहाँ पे आके खड़ी है, ये बड़ी उदास करने वाली है। जितने भी बिहार के लोग बड़े जो दलित नेता हुए, वो दलित समाज के लिए क्या किए? ये लोग जितने भी थे वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए और अपनी कुर्सी और परिवारजनों की कुर्सी को ही बचाने में इन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया, कुछ इन्होंने नहीं किया। और उसका कारण ये था कि और दलित एकता भी नहीं रही कि किस तरह से चुनावों में परिवारवाद हावी रहता है। कुछ एक परिवार के ही व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के लोगों को लड़ाने के लिए सीट को ले लेते हैं। बिहार की दलित राजनीति की आज हम बात करेंगे। बिहार की दलित राजनीति की अगर बात करें तो अलग अलग जातियों में, अलग अलग समूहों में बटी हुई है। और ऐसे में इसको देखते हुए भाजपा जो है लगातार संविधान बदलने की बात करती है, ऐसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। अब जाकर कांग्रेस के युवा नेता बिहार के अनेक जगहों पर निकलेंगे और कहीं ना कहीं तमाम दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान है, जुड़ेंगे बात करने। आदित्य जी, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप और कैसे दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, जिस तरीके से दलित अलग अलग जातियों में समूहों में बटे हुए हैं, इसको देखते हुए? देखिए, आज जो बिहार में जो दलित की राजनीति जिस जहाँ पे आके खड़ी है, ये बड़ी उदास करने वाली है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, आज़ादी के बाद देखिएगा तो बिहार ने देश को एक से एक बड़े बड़े दलित नेता दिए, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जितने भी दलित नेता हुए वो मुझे लगता है क्या है, ये सच्चाई भी है और लोगों को, आज के युवाओं को खासकर ये जानना चाहिए कि जितने भी बिहार के लोग बड़े जो दलित नेता हुए, वो दलित समाज के लिए क्या किए। लेकिन अगर उस सच्चाई पे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये लोग जितने भी थे वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए और अपनी कुर्सी और परिवारजनों की कुर्सी को ही बचाने में इन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया। अगर मास बेस को देखेंगे और पूरे दलित को लेकर चलेंगे तो पूरे समाज के लिए कुछ इन्होंने नहीं किया। और उसका कारण ये था कि और दलित एकता भी नहीं रही। दलित एकता को बनाए रखने के लिए इनको अपना त्याग करना पड़ता और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम अलग अलग जातियों में बट गए। उपजातियों के अलग अलग नेता हो गए, चाहे वो बिहार का पासवान समाज हो, बिहार का रविदास समाज हो, बिहार का मुसहर समाज हो, बिहार का पासी समाज हो, सब जातियों के अलग अलग नेता खड़े हो गए हैं और हम बिल्कुल ही बिखराव हो गया है समाज में। तो आज की मांग है कि इस समाज को एक होना चाहिए, दलित एकता फिर से एक होनी चाहिए और सबको मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए ताकि आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक हिस्सेदारी जो है वो फिर से सुनिश्चित हो सके। आज राजनीतिक हिस्सेदारी की जो बात की जा रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसका आप सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावों में परिवारवाद हावी रहता है। कुछ एक परिवार के ही व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के लोगों को लड़ाने के लिए सीट को ले लेते हैं या फिर पैराशूटिंग हो जाता है। तो जो लड़का जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है या जो मेहनत कर रहा लड़का और जो काबिल लड़के लोग हैं जिन्हें आगे आना चाहिए, राजनीति में आगे आना चाहिए और वो आगे आके अपने समाज को मदद करेंगे आगे आने के लिए, उनको नहीं, इशारा मेरा किसी की तरफ नहीं है, मेरा पूरे मैं इन टोटालिटी में बात कर रहा हूँ जो आज हो रहा है और इसको रुकना चाहिए। अगर ये आज नहीं रुका तो ये बढ़ता जाएगा। आज जिस तरह से देखिए आप कि किस तरह से, दो तीन एग्जांपल मैं दूंगा कि कैसे किस तरह से पैराशूटिंग और परिवारवाद हावी रहा। आप जमुई को देख लीजिए, पासवान परिवार, आप समस्तीपुर देख लीजिए। मैं कांग्रेस से हूँ लेकिन मैं अगर समाज के लिए नहीं बोलूँगा तो मैं किसी भी दल में रहूँ हमारी महत्वता नहीं रहेगी, ठीक है। वहाँ पर देखिए सनी हजारी, कभी उनका नाम नहीं था, वो आ गए। जमुई में देखिए किस तरह से आरक्षण पर प्रहार किया गया और एक ऐसी लड़की जिसकी शादी यादव समाज में हुई है उनको वहाँ टिकट उतार दिया गया। फिर समस्तीपुर में ही देखेंगे आप तो श्याम भवी चौधरी, एक और चेहरा जो जिसकी शादी भूमियार समाज में हुई है, फिर वहाँ पे ले आया गया। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंस है और जहाँ पे जो परिवार के लोग नहीं हैं तो खुद, जैसे अब जीतनराम मांझी जी को देखिए, पूरे समाज में उनको कोई नहीं मिला तो वहाँ खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरे बिहार में देखिएगा तो आज यही चलन चल रहा है और इसको रुकने की आवश्यकता है। ये तभी रुकेगा जब समाज एक होकर के संघर्ष करेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा। समाज एक कैसे होगा? बिल्कुल एक होगा, मैंने उसकी शुरुआत की है और मैं पूरा बिहार अभी घूमने जा रहा हूँ, लोगों को जागरूक करूँगा, युवाओं को अपने साथ लूँगा और पूरे बिहार का जो युवा है, चाहे वो पासवान समाज हो, रविदास समाज हो, पासी समाज हो, मुसर समाज हो, वो धीरे धीरे मेरे साथ संगठित होते जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से अभिषेक जी ये आज ये कहना चाहता हूँ अपने रविदास भाइयों को, अपने पासवान भाइयों को, कि अगर आप सिर्फ दो ही एक मंच पे आ गए तो 6% पासवान है, 5% रविदास है, 11% जब एक मंच पे अगर आ गया और बाकी अगर 8% भी आपको मदद करने के लिए आ गए, आप जिसकी सरकार चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी, आप जिधर चाहेंगे
आप जिधर जाएंगे उसी की सरकार बनेगी और आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो सुनिश्चित होगी, आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिल पाएगी। और अगर नहीं आएंगे तो जिस तरह से जो चल रहा है, जो अलग अलग लोग आते हैं अपने परिवार को लड़ाते हैं, आपके सीटों को हमारी सीटों को लेकर के चले जाते हैं, या पैराशूटिंग जो होता है वही चलन चलता रहेगा। इसलिए संगठित होने की ज़रूरत है पूरे बिहार के रविदास भाइयों को, पासवान भाइयों को, मुसहर भाइयों को, पासी भाइयों को, और पूरा दलित समाज अगर एक हो गया तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और आज जो बिहार में दलित राजनीति, दलित क्रांति जो मृत पड़ी हुई है उसे जागृत करने की आवश्यकता बिल्कुल आ गई है। दलित एकजुट होकर क्या करने जाएगा अब? नहीं, देखिए आज समाज की क्या स्थिति है, समाज अलग अलग जातियों के अगर आप नाम लेंगे तो कुछ एक लोग आगे आ गए तो उस जाति का नाम होने लगता है, लेकिन अगर मास पे आप देखिएगा तो आज भी स्थिति कितनी ख़राब है। गांव देहात में जाइए, दलित भाई हमारा जो है दो टाइम का खाना नहीं जुट रहा है, आज सरकार के मुफ्त राशन पे रहने को मजबूर है और सरकार अपनी पीठ ठोक रही है कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ से निकलने की आवश्यकता है। शिक्षा की स्थिति जो है आज भी वही ख़राब है। आज बिहार में 19 सालों से नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का भार संभाला हुआ है, लेकिन आज भी शिक्षा के स्तर देखिए गाँव में जाके वही हाल है। तो एक नए नव चेतन होना चाहिए समाज में, समाज को आगे आना चाहिए। इस तरह से जो चल रहा है, इस तरह से मुझे आगे कोई डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक संगठित होकर एक जगह लोग संघर्ष के लिए आवाज़ नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए समय की मांग है कि एक मंच पर आके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जी, भाजपा को लेकर हमेशा आरोप लगते आते हैं कि जिस तरीके से भाजपा केंद्र में सरकार में है, फिर से एक बार अगर सरकार में आती है तो पूरे संविधान को बदल देगी, इसको लेकर क्या कहिएगा, क्या स्टैंड है आपका? नहीं, ये जो आज जो चल रहा है कि पूरे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाजपा अगर आ गई वापस फिर से 2024 में तो संविधान को बदल दिया जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि ये गलत नैरेटिव है। ये इसलिए गलत नैरेटिव है कि ऑलरेडी संविधान पर तो प्रहार पिछले 10 वर्षों में हो रहा है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी है अपने हिसाब से संविधान में छेड़छाड़ करने की, उन्होंने किया है। अभी देखिए आप 168 सांसदों को निलंबित करके मनमाना उन्होंने नियम पास करवा लिया, और अब वो वापस आएंगे तो वो नियम इफेक्टिव हो जाएंगे। आपके माध्यम से बिहार के युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि आप पता कीजिए कि जब वो 168 सांसदों को निलंबित करके जो कानून पास कराए गए वो क्या थे, और वो एक्टिव अगर हो गए तो फिर देश में कैसे पुलिसिया राज जो है वो कायम हो जाएगा। आपका हक जो है वो भारतीय जनता पार्टी मारने के लिए जा रही है, आपका लॉ पूरे लॉ को चेंज कर रही है, ये लोगों को मालूम नहीं है, ये लोगों को जानना चाहिए। सिर्फ टीवी पे चल रहे कुछ एक न्यूज़ चैनलों के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उससे निकल करके वास्तविकता जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इसे रुकना कितना ज़रूरी है। तो संविधान को तो ऑलरेडी छेड़छाड़ किया जा रहा है, बदला जा रहा है, आरक्षण पर ऑलरेडी आक्रमण किया जा रहा है, और बड़ी चतुराई से, बहुत ही चतुराई से आरक्षण पर आक्रमण किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी भी दल में हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण पर प्रहार कर सके। जो भी अगर उसको हाथ लगाएगा उस जल जाएगा, लेकिन निजीकरण करके आरक्षण को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर कर दिया। आज SC ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया गया। आप नया जो एक्ट आया उसमें कहा जा रहा है कि आप 10 लोगों के बीच में अगर किसी को प्रताड़ित कीजिएगा, प्रताड़ना कीजिएगा, या अपशब्द बोलिएगा या गाली बोलिएगा तो वो मान्य होगा, तब उस पर केस होगा। अब 10 लोग ढूंढ के लाएगा आदमी क्या? तो ये किस तरह से कमज़ोर किया गया, ये सबके सामने है, और इसके लिए कहाँ कोई आवाज़ उठा रहा है। जो आरक्षण का निजीकरण के माध्यम से जो आरक्षण को कमज़ोर किया गया, आज जो अनुसूचित जाति जनजाति जो एक्ट जो है उसको कमज़ोर किया गया, तो कहाँ जो बिहार के दलित के नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या कोई भी हो, कहाँ इन्होंने आवाज़ उठाया? आज लोकसभा में इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज जो घूम घूम के कहा जा रहा है कि जब तक चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक मैं हूँ आरक्षण पे अटैक नहीं हो सकता है, संविधान पे अटैक नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी अटैक हो रहा है। कहाँ आप चर्चा कर रहे हैं इसके, कहाँ इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, आप तो उसके साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। तो ये आज के लड़कों को सोचने समझने की ज़रूरत है, युवाओं को सोचने समझने की ज़रूरत है। और एक मंच पे आप नहीं आएंगे और संघर्ष की गाथा आप नहीं लिखेंगे तो आपका जो हक अभी मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत है, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान थे, कांग्रेस की युवा नेता, साफ कहते हुए नज़र आ रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पर तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, तमाम जो रविदास समाज के लोग हैं, उनको आना होगा और ऐसे में एक होना होगा, नहीं तो विखंडित जो है तमाम जो दलित के नेता बने फिरते हैं वो कर देंगे तमाम लोगों को। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार भ्रमण पर निकलने जा रहे हैं आदित्य पासवान, साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम जो दलित के लोग, दलित समाज के लोग हैं, उनको एकजुट हम करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से हमने सवाल किया
या एनडीए जो है यह कहते हुए नजर आती है कि हम संविधान बदल देंगे, ऐसे में आरोप लगते हैं। इसको लेकर पासवान ने साफ कहा है कि संविधान बदलने की बात नहीं करते ये लोग, संविधान इन्होंने धीरे धीरे कर बदल दिया है। ऐसे में उसका उदाहरण जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।